यार मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर अब भी हमारा बच्चा नहीं हुआ तो? अरे रितु, टेंशन क्यों लेती हो? आज टेस्ट हुए हैं ना, कल तक हम दोनों की रिपोर्ट आ जाएगी। यार 3 साल हो गए शादी को और अब तक बच्चे का सुख नहीं मिला हमें। क्या अब भी टेंशन ना लूं? देखो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा रितु, हम अपना काम कर रहे हैं ना, और अब तो हम दोनों के टेस्ट भी हो गए हैं, तो कल तक वेट कर लो। मुझे तो डर सिर्फ इस बात का है कहीं हम दोनों में किसी किसी को कोई प्रॉब्लम ना निकल आए। अरे अच्छा अच्छा सोचो रितु, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो टेंशन छोड़ो और आ जाओ मेरे पास। तुम्हें तो बस एक ही चीज आती है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास। अरे जाने मन, जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा? और कितनी मेहनत करोगे? 4 साल से तो कर ही रहे हो। मेहनत करना अपना काम है और फल देना ऊपर वाले का। अरे उठिए देव जी, ऑफिस नहीं जाना क्या देव जी? अरे तू थोड़ा सा और सोने दो यार। नहीं जल्दी उठिए, आज तो ड्रामे नहीं। अरे आज छुट्टी कर लेता हूँ। नहीं जी, आज तो बिल्कुल छुट्टी नहीं। आज आपको डॉक्टर से भी मिलना है, रिपोर्ट्स आनी है, भूल गए क्या? अरे हाँ, आज तो रिपोर्ट्स आनी है, मैं तो भूल ही गया। हाँ चलिए जल्दी नाश्ता कीजिए और जल्दी से नहा के आइए। मुझे तो आज इतनी टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या आएगा रिपोर्ट्स में। अरे रितु क्यों इतनी टेंशन लेती हो? मैं भी ऑफिस से जब आऊंगा तो आते हुए डॉक्टर से मिलता हुआ आऊंगा, और वैसे भी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मुझे पता है सब ठीक ही होगा। भगवान करे ऐसा ही हो, सब ठीक ही हो। अब तो 3 साल हो गए, बस मुझे एक बच्चा हो जाए और जिंदगी में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा चलो, अब मुझे बातों में ही लगाए रखोगी या मुझे अब जाने भी दोगी? अच्छा जी मैं लगा रही हूँ, तुम ही बताओ। मैं मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें ये बातें लग रही हैं। अरे चिंता मत करो रे, तू सब ठीक होगा। चलो अब तुम जाओ, मेरा लंच रेडी करो, मैं नहा के आया। रितु खाना तैयार है? जी जी आपका बैग एकदम रेडी है, लीजिए। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, और तुम फालतू टेंशन मत लेना, मैं ऑफिस से जल्दी निकल के डॉक्टर से मिलता हुआ आऊंगा। प्लीज आप जैसे ही हॉस्पिटल से निकलना मुझे कॉल कर देना। अच्छा ओके, चलो बाय। बाय बेबी। अच्छा सुनिए, रात को खाने में क्या बनाओ? वही मेरी मनपसंद लौड़े लहसुन की सब्जी बना लेना। अच्छा ठीक है। अरे सर आइए आइए। सुंदरी काम कहाँ तक पहुँचा? बस सर सारा माल पैक करवा दिया है मैंने, अभी थोड़ी देर में रामू लेके निकलता है। अच्छा ठीक है। रामू, ओ भड़वे। जी साहब। कहाँ खोया हुआ है? अरे साहब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा बिलिंग वगैरह हो गई सारे माल की? जी साहब बस नाश्ता करके निकल रहा हूँ डिलीवरी पे। और अगर आज ये माल टाइम से पार्टी के पास नहीं पहुँचा ना, तो ये जो फ्री का नाश्ता तू लपेट रहा है ना, इस सारा पिछवाड़े में हाथ दे के बाहर निकाल दूंगा, समझा? अरे नहीं नहीं सर आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगी सब, जल्दी से जल्दी भिजवाती हूँ। चल रामू जल्दी से नाश्ता निपटा और चलता बन यहाँ से। ये लीजिए सर, आप जब तक चाय पी लीजिए, मैं काम खत्म करवा के आती हूँ। अच्छा सुनो सुंदरी, आज सारा काम तुम्हें ही खत्म करना होगा, मुझे जरा जल्दी जाना है, डॉक्टर से मिलना है। सर आप चिंता मत करो मैं सब देख लूंगी। पर सर डॉक्टर के पास क्यों, सब ठीक तो है ना? हाँ वो बस मेरा बच्चा नहीं हो रहा ना। अरे सर मैं कुछ हेल्प कर दूंगा इसमें आपकी। अरे यार जाओ ना, तुम अपना काम करो। ओके सॉरी सर। हाँ बोलो रितु। आप डॉक्टर के पास गए क्या? यार तुम दिमाग से पैदल हो क्या? अभी ऑफिस में हूँ, बोला था ना शाम को आने से पहले मिल के आऊंगा। यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हमारा बच्चा हो तो जाएगा ना? अरे यार अपने टेंशन की बत्ती बनाओ और अपने पिछवाड़े में घुसा लो, काम करने दो यार, फोन रखो। जी साहब तो नाश्ता वास्ता हो गया मेरा, तो मैं निकलूं? अबे तो क्या रिबन कटवाऊं तेरे से, साले निकल। अरे साहब शांत चिल। भूतनी के जा रहा है? नहीं जा रहा। चलो सुंदरी, रामू माल लेके निकल रहा है, तुम भी टाइम से ऑफिस बंद करके निकल जाना, मैं चलता हूँ जरा डॉक्टर के पास, मुझे थोड़ा मिलना है उनसे। जी ठीक है सर। यार मुझे तो खुद बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में, हे भगवान सब सही रखना।
हे भगवान सब सही रखना। देखिए मैडम आपकी गार्ड में तो जब बड़े बड़े कीड़े हैं। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरी आए दिन पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है। हाँ कीड़े हैं ना तुम्हारी गांड में, जब तक वो रहेंगे तुम्हारी लड़ाई होती रहेगी। अरे डॉक्टर गुलाटी। आइए आइए देव साहब, आप जरा बैठ कीजिए मैं आता हूँ। आइए देव साहब आइए बैठिए। डॉक्टर साहब वो आज रिपोर्ट्स आनी थी मेरी और रितु की। जी जी रिपोर्ट्स तो आ गई हैं, पर देखिए खबर इतनी अच्छी नहीं है। क्या मतलब डॉक्टर साहब क्या हुआ? अरे अरे घबराइए नहीं देव साहब, हौसला रखिए। बताइए तो सर हुआ क्या? देखिए आपकी वाइफ एकदम फिट है बच्चे के लिए, अगर उसको अच्छा मर्द मिल जाए तो आज ही गर्भवती हो जाएगी, पर आप में प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम डॉक्टर साहब? देखिए आपके स्पर्म के कीड़े सारे मर चुके हैं, आप ऐसा समझिए आप में जरा सा पानी ही निकल रहा है। क्या बकवास कर रहे हो आप? देखिए देव साहब मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा, जो रिपोर्ट्स में आए मैं वही बता रहा हूँ। पर डॉक्टर साहब मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे बीमारी कैसे हो सकती है? देखिए ये अंदरूनी बीमारी है, ये ज्यादा हिलाने से हो जाती है, आप ज्यादा हिलाते होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब इसका कोई इलाज? देखिए इसका इलाज तो एक ही है, मुझे ले चलिए मैं कर देता हूँ बच्चा। क्या बकवास कर रहे हो आप? देव जी अब इसका कोई इलाज नहीं है, आपके कीड़े मर चुके हैं, जे लीजिए आपकी रिपोर्ट्स, मुझे मेरा पैसे दीजिए, मैं चला अपने मरीज देखने। यार अगर मैंने रितु को बता दिया कि कमी मुझ में है, मेरी वजह से हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। नहीं नहीं मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आ गए आप, क्या कहा डॉक्टर ने बताइए ना। अरे यार रितु घर आया हूँ, कम से कम पानी वानी तो पीने दो। अरे पानी वानी क्या बाहर में, बताइए रिपोर्ट में क्या आया। यार रितु सब बताता हूँ, थोड़ा सब्र तो रखो, तुम पानी लाओ हम आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके ओके आप सोफे पे बैठिए मैं लाई पानी। और हाँ पानी जरा ठंडा लाना, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। अरे वाह ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें सर्दी में भी पसीने आने लगे? अरे तुम्हें क्या पता रितु, जब गांड फटती है तो पसीना ही आता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। लीजिए पानी और अब जल्दी से बताइए क्या कहा डॉक्टर ने। देखो रितु बात ऐसी है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं आया है। क्या सच? हाँ तुम भी एकदम स्वस्थ हो और मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। शुक्र है मेरे मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है, पर अगर सब सही है तो हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा? अरे वो डॉक्टर ने कहा है ऐसा कुछ कपल्स में हो जाता है, कईयों को थोड़ा टाइम लगता है बच्चा करने में, तुम बस अपना काम करते रहो। चलो शुक्र है कि हम दोनों में कोई कमी नहीं निकली, अब तो बस ऊपर वाले के हाथों में है हमें बच्चे का सुख देना। हाँ तो मैं कल सुबह ही अपने बाबा जी के पास जाके उनसे प्रार्थना करूंगी कि हमें बच्चे का सुख दे दे। कौन से बाबा जी रितु? अरे ये शादी के पहले से मैं मानती हूँ एक बाबा जी को, मेरी पूरी फैमिली भी उनसे जुड़ी हुई है, उनके पास जाती हूँ मैं कल सुबह ही। अरे ये क्या बकवास कर रही हो रितु, ये सब में मैं विश्वास नहीं करता। तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, मैं अपनी फ्रेंड को लेकर चली जाऊंगी। देखो तुम्हें जो करना करो, लेकिन मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता। अच्छा सुनो। क्या? खाना खाओगे? मेरी भूख तो खुशी के मारे ही मर गई। नहीं मुझे भी नहीं खाना। ओके कपड़े तो चेंज कर लो। यार कितनी खुश है रितु, लेकिन उसे जब असलियत का पता चलेगा तो। अरे चमेली कैसी है तू? बस मैं बढ़िया। अच्छा सुनना कल सुबह चलेगी क्या मेरे साथ? अरे ये फिशुकर गांव तक जाना है बस। हाँ थोड़ा दूर तो है, चल लेना प्लीज। पक्का? तो ठीक है मैं कल सुबह आती हूँ तेरे पास। थैंक यू यार, लव यू। अरे रितु क्यों अंधविश्वासों में फंसी हो, इन सबसे कुछ नहीं होता। देखो देव जब तक तुम्हारे टेस्ट नहीं हुए थे हम 3 साल से डॉक्टर के चक्कर लगाते रहे, मैंने कभी तुम्हें बाबा जी के बारे में नहीं बोला, पर अब ये पता लग गया कि हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस ऊपर वाले की कृपा चाहिए, तो मैं अब हर कोशिश करूंगी। चलो ठीक है यार जैसे तुम्हें ठीक लगे, फिलहाल जो सबसे जरूरी काम है बच्चे के लिए पहले वो तो कर लें। क्या तुम भी सीधा सीधा बोलो, तुम्हें ये करना है बातें क्यों बना रहे हो। ओहो 5 भी बज गए, अभी तो सोई थी। चलो पहले फटाफट नहा लेती हूँ फिर इन्हें उठाऊंगी जाते टाइम।
देव उठो ना। अरे क्या है ऋतु, इतनी सुबह सुबह क्या आफत आ गई? अरे मैं निकल रही हूँ बाबा जी के आश्रम, मेरी टैक्सी आती होगी। हाँ तो जाओ ना यार, मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो। ओके ओके ठीक है, सोते रहो तुम। ऐसा करती हूँ थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, इतने दूर का सफर है। अब ये टैक्सी वाला काम मर गया, इतनी देर की कैब बुक करवाई हुई है। अब ये आज बहनचोद आ गया, आ गया। अरे भैया कहाँ रह गए थे, कब से खड़ी हूँ सड़क पे। अरे मेम साहब सुबह का टाइम है, टट्टी पे साफ सब करना होता है ना। चलो चलो गाड़ी चलाओ चुपचाप। मैडम जाना तो आपका फीस उसका है, तो यहाँ किसको बैठाओगे, अपने बॉयफ्रेंड को। तू ना अपना काम से काम रख समझा, ज्यादा मेरा पति मत बन, चुपचाप यहाँ खड़े रह, मैं आई 2 मिनट में। अरे आ रही हूँ बाबा। चल तू रेडी। हाँ आई एम रेडी। चल आजा फटाफट। पर यार तूने मुझे बताया नहीं, तू वहाँ करने क्या जा रही है। अरे क्या बताऊँ यार, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, पूरे 3 साल हो गए। तो साली क्या बाबा से बच्चा करवा के आएगी क्या। अरे पागल है क्या, कैसी बातें कर रही है, वो इतने बुजुर्ग बाबा जी हैं, इतना ज्ञान ही। मैडम बच्चे नहीं हो रहे क्या आपके, हम कुछ मदद कर दें। सुन बे चूतिया बहुत हो गई तेरी बकवास, बड़ी देर से सुन रही हूँ मैं, चुपचाप गाड़ी चला ले। अरे मेरे 8 बच्चे हैं इसलिए पूछा बस। तो जाके नवा अपनी बीबी का कर समझा। लो बताओ आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। लो बातों बातों में पहुंच भी गए, बस बस यही रोक दे उल्टे हाथ पे। कितना हुआ आपका टोटल? 1000 UC। ओके ये लो। शुक्रिया मैम साहब। देख कितनी शांति है, जय हो बाबा जी की। आजा। यार मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। बाबा जी यही कहीं होंगे, आजा। अरे वो देख साध्वी जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, कौन हो तुम, यहाँ क्या करने आए हो। आंटी वो मुझे बाबा जी से मिलना था। क्या काम है, क्यों मिलना है। आंटी वो कुछ काम था। बाबा जी अभी ध्यान लगा रहे हैं, अभी नहीं मिलना है, चलो भागो यहाँ से। आंटी मैं बहुत दूर से आई हूँ बड़ी उम्मीद के साथ, मेरी शादी को 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा मेरा। ओ तो बच्चा करवाना है तो ऐसा बोलना चाहिए था ना, आओ मेरे साथ, बच्चा करवाने में तो बाबा जी एक्सपर्ट है। बाबा जी ध्यान लगा रहे हैं तो बिल्कुल शोर नहीं, जो बात करनी है आराम से। नमस्ते बाबा जी। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बोलिए क्या काम है। बाबा जी 3 साल हो गए शादी को पर बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है। अच्छा ये बताओ यहाँ आने से पहले कितने डॉक्टरों के यहाँ धक्का खाए। बहुत धक्के खाए बाबा जी। तो फिर तुमने टेस्ट भी करवाया होगा आपने। जी बाबा जी, बाबा जी आपको सब पता है बाबा जी, जय बाबा जी की। तो क्या आया टेस्ट में। बाबा जी टेस्ट में तो सब ठीक आया, डॉक्टर बोला कोई दिक्कत नहीं मुझ में और मेरे पति में, बस कृपा नहीं हो रही है। तो मतलब तुम दोनों ठीक हो। जी बाबा जी। तो ठीक है फिर, कृपा हम कर देंगे, करवा देंगे आपके बच्चे। बाबा जी की जय हो। बस तुम्हें कुछ चीजें माननी होगी, बच्चे की गारंटी मेरी। बाबा जी जो आप बोलेंगे, जैसा आप बोलेंगे मैं सब करूंगी, बस बच्चा दे दो मुझे। देखो तुम्हारा शुद्धिकरण करना होगा चांदनी रात में, तो तुम्हें 3 दिन के लिए यहाँ हमारा आश्रम में आके रहना होगा। मैं आ जाऊंगी बाबा जी, बताइए कब से आना है, पर एक दिक्कत है बाबा जी। क्या। मैं अकेली ही आ पाऊंगी, वो नहीं आएंगे मेरे साथ। कोई बात नहीं चलेगा, बच्चा तो तुम्हारी कोख में करना है ना, तो तुम आ जाओगी तो चलेगा। ठीक है बाबा जी मैं आज शाम ही आ जाऊंगी, आप बस मेरी कोख भर दे। ठीक है आ जाओ, आज रात से ही तुम्हारी शुद्धिकरण शुरू कर देता हूँ। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। अरे एक मिनट रुको, तू जो कोई भी है यहाँ रुकेगी मेरे साथ। क्या हुआ बाबा जी। कुछ नहीं, तुम पे एक काला साया था, मैं उससे बात कर रहा था। बाबा जी की जय हो, चरण कहाँ है बाबा जी आपके। क्या काला साया, ए सुनना कहाँ भाग गई। चलिए बाबा जी मैं आती हूँ रात तक। सदा सुहागन रहो। चल चमेली। यार मुझे तो तेरे बाबा जी की आंखें देख के ही डर लग रहा था। अरे बड़े पहुँचे हुए हैं ये। पर यार इतनी गारंटी से कैसे कह सकता है वो कि बच्चा हो ही जाएगा। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं चमेली, भगवान के अवतार है वो।
चल अब फालतू की बातें करके टाइम मत खराब कर, मुझे रात तक फिर पहुंचना है यहाँ। कोई टैक्सी रुके तो रोक उसे। अरे आगे टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी। भैया क्रैप ग्रास चलोगे? बिल्कुल चलूंगा। अरे तुम तो सुबह ही वाले हो ना? हाँ मैडम। पर सुबह तो तुम गंजे थे। हाँ मैडम, अब मैंने वीक लगा लिया है। चलो अब जितना जल्दी हो सके मुझे क्रैप ग्रास छोड़ दो। तो चलो फिर। बस बस भैया यही रोक दो उल्टे हाथ पे। चल थैंक्स यार, तूने मेरी इतनी हेल्प की। देख लियो यार, ये बाबा बाबा के चक्कर तो हमें समझ नहीं आते। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। चल बाय। चलो भैया। भैया आपके बच्चे हैं क्या? हाँ मैम साहब, पूरे 8। ऐसा क्या करते हो भैया? तरीका तो वही है मैम साहब, जैसे सब करते हैं। ओए कंट्रोल, चुप चुप गाड़ी चला। बस बस यही रोक दे। कितना हुआ? वही 1000 यूसी। अरे मैं तो बहुत लेट हो गई, ये भी आ गए और मुझे वापस भी निकलना है। अरे रितु बहुत लेट हो गई तुम आने में। अरे लेट क्या, अभी मुझे वापस निकलना है आश्रम के लिए। क्या बकवास कर रही हो, इस टाइम निकलना है? हाँ बाबा जी ने कहा बच्चा गारंटेड होगा, बस 3 दिन के लिए मुझे वहाँ आश्रम में रहना होगा शुद्धिकरण के लिए। अरे रितु ये क्या बचपना है, मेरा क्या होगा 3 दिन? मैं वहाँ कोई अपने अकेले के लिए नहीं जा रही हूँ, हम दोनों के लिए ही जा रही हूँ। अरे रितु मगर तुम घर रह के भी तो कर सकती हो। नहीं देव, बाबा जी ने कहा वहीं रहकर वो चांदनी रात में मेरा शुद्धिकरण करेंगे। अरे रितु मगर। बस बस अब मुझे निकलने दो, 11 बजे से पहले वहाँ मुझे पहुँचना होगा। अरे रितु ये सब अंधविश्वासों से बाहर निकलो यार, कुछ नहीं होता इनसे। देव हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचा अब। रितु 3 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो, गलत कर रही हो तुम। वही बोल रही हूँ, 3 दिन की तो बात है, उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ। अरे यार रितु मेरी बात तो सुनो। बस अब बिल्कुल चुप, अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। टैक्सी, टैक्सी। भैया जल्दी से फिजूकर ले लो। चलो देव अपना ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी 3 दिन में। अरे बाप रे इतना अंधेरा, यहाँ तो वो साध्वी भी नहीं दिख रही है। बाबा जी। अरे आ गई तुम? जी बाबा जी। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा विश्राम घर दिखा देता हूँ। बाबा जी मेरा बच्चा तो हो जाएगा ना? काय नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तुम बस मेरे पे विश्वास रखो। ये लो अब तुम इस विश्राम घर में आराम कर लो, तब तक मैं जल बना कर लाता हूँ तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए। बाबा जी यहाँ और कोई नहीं है? नहीं कुछ लोग थे, कल ही गए हैं। ठीक है बाबा जी, बस कृपा करो मुझे बच्चे का सुख दो। चिंता मत करो मैं हूँ ना, लाया मैं जल बनाकर। अरे यार कितने मच्छर है यहाँ, मैं कैसे सोऊंगी, मुझे तो नींद भी नहीं आएगी। यार यहाँ कपड़े कैसे बदलूं, कोई देख ना ले, बाबा जी के आने से पहले ही बदल लेती हूँ। अरे बाबा जी आइए आइए। देखो अब ध्यान से सुनो, ये जो जल मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें एक सांस में सारा पीना है और पीते ही लेट जाना है। ठीक है बाबा जी जैसा आप कहें। अरे बस बस उठो ये लो जल, और याद रहे पीते ही सो जाना है। ठीक है बाबा जी। ऊपर वाले ने चाहा तो तुम 3 दिन में यहाँ से अपने गर्भ में बच्चा लेकर ही जाओगी। जय बाबा जी की। बाबा जी। अरे साध्वी तुम यहाँ? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं हूँ ना। पता नहीं कैसा टेस्ट होगा इसका, अब पीना तो पड़ेगा। रितु पी जाओ एक सांस में। अरे इतना भी बुरा नहीं है यार। अरे बाबा जी ने कहा था पीते ही सो जाना है। अरे अरे ये क्या, मेरा तो सर घूम रहा है, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं बाबा जी? We'll be right back.
ओह, मैं तो रात को कब सो गई चल पे के मुझे पता ही नहीं चला। अरे मेरी कमर में, हिप्स में, चेस्ट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? सूरज भी निकल गया, अब मैं नहाऊंगी कैसे? नहाना भी पीछे झील में है, हे भगवान कोई देख ना ले। दिख तो कोई नहीं रहा यहाँ, फटाफट नहा लेती हूँ। वाह इतने प्यारे फूल, इसी कोने पे नहा लेती हूँ नीचे उतर के। अरे यार ये पानी तो बहुत ठंडा है रितु, बच्चे के लिए ये सब करना पड़ेगा। ओ माँ इतना ठंडा पानी। एक बार बाबा जी से जाके बात कर लेती हूँ, मुझे इतना बॉडी पेन क्यों हो रहा है? अरे गेट तो खुला है बाबा जी का। नहीं नहीं साध्वी जी को साथ ले लेती हूँ। प्रणाम साध्वी जी। प्रणाम प्रणाम, क्या हुआ बेटी? शरीर दुख रहा है आगे से पीछे से। अरे साध्वी जी आपको कैसे पता? मैं यहाँ 15 साल से हूँ, सब जानती हूँ मैं भी। हाँ साध्वी जी, शरीर का एक एक हिस्सा दर्द कर रहा है, मानो जैसे किसी ने पूरा शरीर नोचा हो। आगे आगे देखती जाओ, अभी तो तुम्हारे मुंह में भी दर्द होगा। क्या मतलब आपका? बाबा जी आपसे रितु मिलने आई है। अरे आओ आओ रितु। बाबा जी की जय हो। चलो साध्वी तुम बाहर बैठो, उठो उठो। बाबा जी कल रात में जलपी के कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, और सुबह उठकर मेरा शरीर पूरा दर्द कर रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारा शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, ये तो दर्द रहेगा 3 दिन। बाबा जी मैं हर दर्द सह लूंगी, बस मुझे बच्चा हो जाए। चिंता मत करो हम हैं ना। चलिए बाबा जी मैं अपने विश्राम घर जाकर के कुछ खा लेती हूँ। सदा सुहागन रहो। क्या कर रहे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुमने खाना खाया? हाँ मैं भी अभी खाना खा के ही फ्री हुई हूँ। हाँ बहुत पेन है बॉडी में। बस बेबी 2 दिन की बात है, फिर खुशियां ही खुशियां। चलो ठीक है तुम कर लो, मैं रखती हूँ। हाय राम, मुझे तो करवट तक नहीं बदली जा रही, इतना पेन है। अरे बाबा जी आई आई है। अब कैसी हो तुम, दर्द कुछ कम हुआ? नहीं बाबा जी अभी भी बहुत दर्द है। चलो कोई बात नहीं, 2 दिन की और बात है, सह लो। जी बाबा जी। ये लो आज का जल, और आज भी वही करना है, पीते ही सो जाना है। जी बाबा जी आप जैसा कहें। आज भगवान ने चाहा तो आधी रात में तुम्हारी कोख में बच्चा पनपने लगेगी। बाबा जी की जय हो। चलो बस बस आओ साध्वी। बाबा जी वह आज पूरा दिन दर्द से रोते रही है। कोई बात नहीं साध्वी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यही सृष्टि का नियम है। कल को कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। चल चल रितु, दूसरा दिन है, काट ले किसी तरह, पीछा एक सांस में। यक इतना कड़वा। अरे अरे आज भी पीते ही चक्कर। भगवान क्या हो जाता है मुझे जल पीते, मैं तो अपने होश में ही नहीं रहती। आज भी इतना लेट उठी हूँ, सूरज सर पे निकल आया है, पहले फटाफट से नहा लेती हूँ। शायद कल साध्वी जी ने सही कहा था, आज मेरे मुंह में भी बहुत दर्द है। एक तो यहाँ का पानी इतना ठंडा, और ऊपर से यहाँ कोई आ भी सकता है, कोई देख तो नहीं रहा है। फटाफट से नहा लेती हूँ। चल चल रितु बहुत नहा ली, अब बाहर निकल। अरे एक बार पापा जी से बात कर लेती हूँ। अरे साध्वी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। साध्वी जी आपने सही कहा था, आज मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा है दर्द के मारे।
जिस चीज का डर था वही हुआ। क्या कहा? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा वो बाबा जी से मिलवा दो एक बार। अच्छा आओ मेरे साथ, जो बात करनी है आराम से। बाबा जी नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, बताइए कैसे आना हुआ? बाबा जी मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम्हारे शरीर का चांदनी रात में शुद्धिकरण किए जा रहा है, उसे साफ किए जा रहा है, ये कष्ट तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। बाबा जी बहुत दर्द होता है, मुझसे नहीं हो रहा। ए दुष्ट चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसी हुई इसकी शरीर में आने की? क्या हुआ बाबा जी? कुछ नहीं, तुम पे एक काला साया था, मैं उससे बात कर रहा था। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। चलो चलो जाओ विश्राम घर में जाके कुछ खा लो। देखो आज आज की ही बात है, झेल लो, इस बात की गारंटी तो मैं लेती हूँ कि बच्चा तो तुम्हारा हो जाएगा। जैसा आप कहें साध्वी जी। बाबा जी मेहनत कर रहे हैं तुम पे बहुत। हेलो देव। हेलो रितु, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मेरे बिना कट रही है ना। अरे कहाँ रितु, अब तो 3 दिन हो गए, वापस आ जाओ यार। अभी कहाँ हुए 3 दिन, आज तीसरा दिन है, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। वैसे भी मेरी क्या हालत है यहाँ मैं ही जानती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? यार मैं जब भी सुबह उठती हूँ मेरे कभी हिप्स में पेन होता है, कभी मेरे छाती में, कभी मेरे मुँह में। ये सब क्या है रितु, कभी गांड में दर्द कभी मुँह में दर्द, ये कैसा शुद्धिकरण है? तुम चुप रहो, बाबा जी ने कहा ऐसे ही होता है शुद्धिकरण। चलो अब मैं सो रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। अरे बाबा जी आइए आइए, मैं आपके ही गुण गा रही थी। अरे हमारा गुण तो सारी दुनिया गाती है। बाबा जी आज आखिरी रात है शुद्धिकरण की, मेरा बच्चा तो हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। आज आखिरी रात है तो आज तुम्हें आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह दर्द होगा। चुप करो साध्वी, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम ये जल पकड़ो और याद रहे आज भी पीते ही सो जाना है। जी बाबा जी आपका हुक्म। चलो साध्वी। बाबा जी क्या लगता है इसकी कोख भरेगी? साध्वी अभी मैं बूढ़ा हुआ हूँ, मेरे शक्तियाँ कम नहीं हुई हैं। चलो यहाँ से। पता नहीं क्या है इसमें, पीते ही सर घूम जाता है। हे भगवान, हाय चक्कर हाय चक्कर। हाय आज तो मेरी बैंड बजी हुई है, ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे रात को बहुत बुरी तरह पीटा है। चल रही तू फटाफट से नहा ले, फिर आज घर भी जाना है। बाबा जी से पूछ के घर के लिए निकलती हूँ। ओम व्रीम क्लीम, ओम व्रीम क्लीम। बाबा जी अंदर आ जाऊं? आ जाओ आ जाओ। बाबा जी पूरे 3 रात हो गई है, अब मैं घर जा सकती हूँ? हाँ अब तुम जा सकती हो, लेकिन याद रहे जाने के बाद पूरा 1 दिन तुम्हें अपने पति के साथ समय बिताना है, फिर तुम अगले दिन जाके अपना टेस्ट करवा लेना। बाबा जी 1 दिन में हो जाएगा बच्चा? बच्चा तो तुम्हारा हो चुका है, बस उसे रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें अपने पति के साथ रहना होगा पूरा दिन। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी आपकी गुरु दक्षिणा। साध्वी जी से भी मिल लेती हूँ। चलिए साध्वी जी मैं जा रही हूँ घर। अरे वाह तुम्हें बाबा जी बहुत मिस करेंगे। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं, आज तुम जा रही हो घर, अब कल से मेरे आगे पीछे दर्द होगा। अरे दर्द वर्द छोड़िए मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। पूरे 3 दिन हो गए मैंने इनके शक्ल तक नहीं देखी, आज जाते ही पूरा दिन इनके साथ ही रहूंगी। टैक्सी टैक्सी। भैया जल्दी से क्रैबग्रास ले लो। बस बस यही रोक दे उल्टे हाथ पे। कितना हुआ? 100 UC। ये लो।
चलो चलो अच्छा है, अभी तक ये ऑफिस के लिए निकले नहीं है। अरे रितु तुम, थैंक गॉड तुम आ गई, मैं कितना अकेला पड़ गया था। शुक्र है मुझे तुम घर ही मिल गए, मुझे तो ये डर था कि तुम कहीं ऑफिस ना निकल जाओ। हाँ मैं तैयार हूँ, बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस के लिए। ऐसा है आज ऑफिस वॉफिस नहीं जाओगे तुम, समझे? ये कैसा बचपना है रितु, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ ऑफिस के लिए। नहीं जी, बाबा जी ने कहा है आज का पूरे दिन पति के साथ बिताओ और कल जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना। क्या नॉनसेंस बातें हैं ये, मैं ये सब नहीं मानता। अरे तुम नहीं मानते हो तो क्या हुआ, मैं तो मानती हूँ। मैंने बोला आज नहीं जाना मतलब नहीं जाना, बस बात खत्म। अरे पर तुमने मेरा करना क्या है? तुम बस आओ मेरे साथ, मैं सब समझाती हूँ। देखो रितु मुझे लेट हो रहा है, जल्दी बताओ तुमने मेरा करना क्या है। करना तो वही है जिसमें तुम सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हो। मतलब? मतलब ये कि बाबा जी ने कहा आज पूरा दिन तुम्हें अपने पति के साथ रहना है। मतलब मैं आज ऑफिस की छुट्टी करके तुम्हारे साथ रहूं? पति देव जी आज साथ ही नहीं रहना तुम्हें, मेहनत भी करनी है वो भी पूरे दिन। चलो अब जल्दी से यहाँ आ जाओ। यार रितु ये भी कोई टाइम है रोमांस का? टाइम गया बाहर में, जल्दी से आओ यहाँ। ठीक है यार जो करना करो जल्दी, फिर मैं निकलूं। चलो रितु अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं निकलता हूँ। ऐसे कैसे निकलता हूँ? अरे यार इतने घंटे हो गए, अब मुझे प्यास लगी है, भूख भी लगी है। तो तुम रुको ना, मैं लाती हूँ ना। अरे यार रितु तुम पागल हो गई हो क्या, ऐसे थोड़ी ना होता एक दिन में बच्चा। चुपचाप पियो और जैसा बोल रही हूँ करते जाओ। क्या बकवास है यार ये। बस भाई अब मेरे बस की नहीं है, मुझे ठंडा पानी पीना है। देखो ऐसा है बाबा जी ने तो बस हमें आज ही साथ में रहने को कहा था, लेकिन अगर तुमने आज भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें कल भी कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे यार इस बाबा की तो माँ की आंख, साले ने कहाँ फंसा दिया है। चलो शुक्र है कि सुबह हो गई, कल का दिन तो इसी बिस्तर पे निकल गया। अब फटाफट से नहा लेती हूँ फिर इन्हें उठाऊंगी। अरे उठिए जल्दी, 8 बज रहे हैं, आज डॉक्टर के पास नहीं जाना है, भूल गए क्या? अरे यार तू अभी तो 8 ही बजे हैं और डॉक्टर का क्लिनिक तो 10 बजे खुलता है। तुम्हें नहाने में इतना घंटे लगते ना, तुम 10 बजे से पहले तैयार नहीं होने वाले, अब जल्दी जाओ नहा के आओ। यार दुखी कर दिया तुमने तो। रितु तैयार हो तुम? हाँ मैं तो 8 बजे से तैयार हूँ। हाँ तुम दिमाग से पैदल जो हो, तुम्हारे बाबा का ढोंग तुम्हें आज ही पता चल जाएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है बाबा जी ने चमत्कार जरूर किया होगा। ऐसे ढोंगी बाबा ना हर गली के नुक्कड़ पे बैठे हैं समझी। कुछ ना कुछ चमत्कार तो बाबा जी ने किया होगा, तभी तो मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था वहाँ। हाँ वो तो तुम्हें हॉस्पिटल जाके पता चल ही जाएगा। आ ही गया हॉस्पिटल, देख लेना मेरे बाबा जी का चमत्कार। अब चुप रहो और आ जाओ मेरे पीछे। अरे रेखा जी मुंह तो खोलिए। अरे डॉक्टर साहब इससे ज्यादा नहीं खुल रहा। इतने में कैसे जाएगा रेखा जी। अरे आप लोग कब आए? बस अभी। ओ मैं इनके जरा दांतों का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर साहब वो जरा वाइफ का टेस्ट करवाना था। अरे वाह आज तो भाभी जी भी आई हैं। चलिए रेखा जी आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं बुलाता हूँ थोड़ी देर में। बताइए भाभी जी कहाँ का चेकअप करूँ? डॉक्टर साहब इसका प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ओ अच्छा आइए चढ़ जाइए ऊपर। ओ मेरा मतलब बेड के ऊपर लेट जाइए। वाह भाई वाह भाभी जी पे काफी मेहनत की हुई लग रही है, काफी फ्लाकर लग कर आए हो। क्या बकवास कर रहे हो गुलाटी साहब। अरे देव साहब मुझे पर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? आप चेकअप कीजिए। वाह भाई वाह देव साहब ने लगता है सारा जोर जहाँ पे लगा दिया है। क्या मतलब है आपका डॉक्टर साहब? कुछ नहीं आप लेटे रहो मेरे को अपना काम करने दो। वाह भाई वाह स्वाद आ गया। क्या बकवास टेस्ट है गुलाटी साहब। चलिए चलिए टेस्ट हो गया, आप बाहर वेट करिए मैं टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करता हूँ। ये डॉक्टर की हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, बड़ा हरामी डॉक्टर है ये।
तुम्हें तो सब हरामी ही लगते हैं, कभी डॉक्टर हरामी, कभी बाबा जी हरामी, मुझे तो लगता है तुम खुद हरामी हो। अरे देव साहब सुनिए, आप आइए जरा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे देव साहब ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी बीबी कैसे हो सकती है प्रेग्नेंट? व्हाट? हाँ आपकी बीबी गर्भवती है। क्या हुआ जी, आप चिल्लाए क्यों? बताइए ना डॉक्टर साहब क्या हुआ, मैं पेट से हूँ ना। यस तुम पेट से हो। ओ बाबा जी तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, पर तुम इतने दुखी क्यों हो ये खुश खबरी सुन के? दुखी बात है रितु। क्या बकवास कर रहे हो, इतने सालों से बच्चा चाहते थे हम और आज बाबा जी ने कृपा कर दी। तुम्हें कुछ नहीं पता रितु, सच्चाई तो ये है कि तुम और मैं कभी माँ बाप बन ही नहीं सकते। क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो ना। हाँ रितु मैंने तुमसे झूठ बोला था कि रिपोर्ट्स ठीक आई हैं, सच्चाई तो ये है कि तुम तो बिल्कुल ठीक हो पर मुझ में कमी है, मेरा माल माल नहीं सिर्फ पानी है। क्या मतलब? अरे मतलब मेरे स्पर्म के कीड़े मर चुके हैं सारे। हाँ तो क्या हुआ, बाबा जी ज्ञानी है चमत्कारी है, उन्हीं ने चमत्कार किया होगा। हम बेंचो जहाँ पे चूतिया बैठे हैं, साला रिपोर्ट दिखा रहा है कि देव जी का सिर्फ पानियों निकल रहा है और तुम्हारे बाबा वो तुम्हें चमत्कार करके माँ बना रहे हैं। बेंचो मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, मैं तो जहाँ पे मूंगफली छिल रहा हूँ। अरे गुलाटी साहब छिल, होश में आओ रितु, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तुम अकेली कैसे माँ बन सकती हो, तुम्हारे साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। क्या चल रहा है ये, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे भगवान। अब तुम चुप चाप वो करती जाओ जो मैं समझा रहा हूँ। अच्छा बोलो क्या करना होगा मुझे? आओ मेरे साथ रास्ते में समझाता हूँ। अबे मेरे पैसे तो दे जा बेंचोद। अबे काय के पैसे, यहाँ मेरी बीवी रगड़ दी किसी ने तुझे पैसों की पड़ी है। टैक्सी टैक्सी भैया सीधा मिस्टेन ले लो। चल चल जल्दी चल, तैयार है ना तू? अरे हाँ बाबा, पर कुछ बताएगी भी, हुआ क्या है? तू आ जा मैं सब समझाती हूँ गाड़ी में। अरे हुआ क्या है, इतना अर्जेंट में बाबा के आश्रम क्यों? अब तू ध्यान से सुन, तुझे क्या करना है। हाँ हाँ ठीक है बाबा, सब समझ गई, बाकी मुझ पे छोड़ दे। बस बस भैया यही रोक दो। कितना हुआ? 100 यूसी। आ जा जल्दी फटाफट। साध्वी जी नमस्ते। अरे तुम फिर आ गई, अब क्या है? वो साध्वी जी ये मेरी फ्रेंड है, इसका भी बच्चा नहीं हो रहा, इसे भी बच्चा करवाना है। वाह बाबा जी की तो निकल पड़ी, आ जाओ मेरे साथ। बाबा जी नमस्ते। अरे तुम फिर आ गई, क्या हुआ? बाबा जी मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर ये मेरी सहेली है, इसको भी बच्चा करवाना था। अरे वाह कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तुमने टेस्ट करवाया है? जी बाबा जी सब करवा लिया, कुछ नहीं आता रिपोर्ट्स में, बस आपकी कृपा चाहिए। तो ठीक है फिर, भेज दो इसे भी 3 दिन के लिए, कर देंगे आज रात से ही इन पे भी कृपा। ठीक है बाबा जी मैं आज रात ही आ जाऊंगी। साली तू मुझसे टकराएगी। क्या हुआ बाबा जी? कुछ नहीं, तुम पे चुड़ैल का साया था, मैं उससे बात कर रहा था। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। बस बस उठो चल चमेली चले। अब तुझे क्या करना है तुझे पता है ना? हाँ हाँ तू चिंता मत कर, बस देखती जा। यार मैं तो बस ये चाहती हूँ ऐसा कुछ ना निकले जैसा मेरा पति को लगता है, और ये सच में कोई चमत्कार ही हो। चल चले टैक्सी आ गई, चल जल्दी से मिड स्टेन ले ले। देख मैं तेरा सारा मैटर समझ चुकी हूँ, अब तू बस मुझ पे छोड़ दे। रोक दो भैया उल्टे हाथ पे, चल तू जा चैन की नींद सो, जैसा भी होगा मैं तुझे इन्फॉर्म करते रहूंगी। ओके चलो भैया। बस बस भैया यही रोक दो। कितना हुआ? यूसी मैम। आ गई तुम, समझा दिया ना चमेली को सब कुछ? समझा तो दिया है मैंने, पर अगर बाबा जी गलत साबित नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे आ गई तुम, काफी देर कर दी आते आते। जी बाबा जी तैयार हो रही थी, उसमें टाइम लग गया। क्या बात है, अब तो और मजा आएगा। आ जाओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। बाबा जी मेरा बच्चा भी हो जाएगा ना ऋतु की तरह? काय नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हम हैं ना।
लो अब तुम यहाँ पे अपना कपड़ा वपड़ा बदल लो, मैं लाया जल बनाकर। जी बाबा जी। कैसे रही है रितु यार तू यहाँ? इतने मच्छर। अरे आइए बाबा जी। ये लो जल, और याद रहे एक बार में सारा जल पी के सो जाना है। जी बाबा जी। पीते ही सो जाना है। अच्छा ना। और याद रहे एक बार में सारा जल पी के सो जाना है। अरे सुंदरी, तुम जैसे हसीनाएं रोज आती रहे तो बाबा तो कभी बुढ़ा हो ही ना। अब 3 दिन तुम्हारे साथ एंजॉय करने मिलेगा, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ। चलो अब और मत शर्मा, उतर भी जाओ कपड़ों। अरे यार इस टाइम पे साध्वी क्या करने आ गई? हाँ बोलो साध्वी। साध्वी नहीं, ससुर आया तुम्हारे। अरे इंस्पेक्टर साहब, इस टाइम पे आप लोग यहाँ कैसे? वो तो अभी बताते हैं, हटो अंदर आने दो। अरे ऐसे कैसे अंदर आ रहा है? अभी मेरा ध्यान का टाइम है। हट साले सामने से, जरा हम भी तो देखे तेरा ध्यान का तरीका। वाह बहनचोद, नंगी लड़की लटाई हुई है, उधर बाबा जी का ध्यान लग रहा है। साला मेरी इज्जत लुटते लुटते ही बची है, शुक्र है आप लोग टाइम से आ गए। मैं तो इनका बस शुद्धिकरण कर रहा था। तू उसकी शुद्धिकरण नहीं, कुछ और ही कर रहा था। अरे साहब मारते काहे को? इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने ने 3 दिन मेरे साथ भी यही सब किया होगा। अरे क्या हुआ बाबा जी, चिल्ला काहे रहे हो? अरे ये क्या पुलिस? सर ये कमीनी भी इस बुड्ढे के साथ मिली हुई है। बुड्ढे तू जा भाड़ में, मैं तो चली। रुक साली चुड़ैल, भागती कहाँ है? सुनीता पकड़ साली को। भाग साध्वी भाग, सीप चालू कर। साली अब कहाँ जाएगी? सुनीता लगा दो हाथ साली को और ले चली ने जेल। अरे साहब मारते काहे को हो, मैंने कुछ नहीं किया। ए भूतनी के बुड्ढे रुक, हिला ना सीधे गांड में गोली मार दूंगा। तो चमत्कारी बाबा, तू खुद भौकेगा या मैं तेरे गले में पट्टा डाल के भुकवाऊं? अरे साहब आप एक इज्जतदार बाबा पे उंगली उठा रहे हैं। अच्छा एक तो तू इज्जतदार है और ये तेरी साध्वी भी इज्जतदार बनी होगी ना। अरे साहब मारते क्यों हो, मैं तो आपकी साइड हूँ, सब बताऊंगी। अच्छा तो शुरू हो जा फटाफट। साहब मैं तो इस बूढ़े को पहले दिन से ही समझा रही थी, यह चौदम पंथी छोड़ दे, पर यह कहता है कि कोई खतरा नहीं है। मैंने पहले ही पूछ लिया है, रिपोर्ट में कोई कमी नहीं है, यह बच्चा मैं करा दूंगा और इन्हें लगेगा कि बच्चा इन्हीं का हुआ है। ओ अच्छा, तो ये पहले ही पूछ लेता है रिपोर्ट्स में क्या आया है। हाँ साहब अगर रिपोर्ट सही आती है तो ये अपना काम करता है। क्यों बे बुड्ढे, तू कुछ नहीं कहेगा? अरे एक मिनट रुकिए। अरे साले तू जो कोई भी है मेरे साथ मेरे आश्रम चल। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं साहब, आप पे एक काला साया था, मैं उससे बात कर रहा था। भक्त साले मादर चोद। अरे साहब मारते काहे को? इस बुड्ढे की चाल तो मेरे हस्बैंड पहले ही समझ गए थे, तभी मैं अपनी सहेली को ले गई इसके पास और इससे पहले ही समझा दिया कि वो कुछ भी दे तूने खाना नहीं है। हाँ फिर वो जल मैंने पिया नहीं और खिड़की से बाहर फेंक दिया, पर इस कमीने ने मेरे सारे कपड़े तो उतार के मजे ले ही लिए थे। इन कमीनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, इनके भूत मैं उतारता हूँ, पर आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे किसी बाबा पे विश्वास मत कीजिए। जी इंस्पेक्टर साहब, गलती मेरी थी, मेरे हस्बैंड ने तो बहुत समझाया था। वेल डन इंस्पेक्टर साहब, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो चले जाना अब। कहाँ? बच्चा करने। चलिए अगर जरूरत पड़े तो मुझे भी बुला लेना। क्या